दुमका में इन दिनों फर्जीवाड़े का धंधा चरम पर है। शातिर अपराधी धड़ल्ले से फर्जी चालान बनाकर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। इन चालान के सहारे बोल्डरों और गिट्टियों से भरे ट्रकों को अवैध रूप से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है। शातिर अपराधी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए चालानों को तैयार करते हैं। फर्जी चालानों को एक नज़र में पहचान पाना मुश्किल है। कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में मतलब एक ऐसा डेवलप कर लिए हैं, चालान को जब हम लोग स्कैन करते हैं तो ओरिजिनल चालान पता चलता है, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा तो बिल्कुल ओरिजिनल चालान जैसा है, और जब तक उसको मोबाइल से चेक नहीं किया जाए तब तक वो पता नहीं चलता। लेकिन इन लोगों ने कंप्यूटर के सहारे ऐसे प्रिंटआउट निकालने शुरू किए। मामला चाहे दुमका के खनन विभाग के फर्जी चालान से जुड़ा हो या अन्य किसी काले धंधे से, ये तभी फलते फूलते हैं जबकि इन्हें संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय और दबंग नेताओं के साथ साथ कुछ सफ़ेद पोशों का संरक्षण मिलता रहता है। यह तो खैर सिद्धांत की बातें हुई, व्यवहार रूप में भी दुमका में कई बार इन धंधेबाजों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, बावजूद इसके यहाँ सिर्फ एक आध गिरफ्तारियाँ हुई और सब कुछ बाहरी बाहर मैनेज होता रहा। ऐसे में इनका मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है, और फिर इस धंधे में इतनी मोटी कमाई होती हो उसे भला कोई छोड़कर आसानी से छोड़ना चाहेगा। अब यह तो सरकार को देखना है कि जिस सरकारी खजाने में धन भरने के लिए उसने कई कई विभाग खोल रखे हैं और मोटी मोटी तनख्वाहें इनके अधिकारियों और कर्मचारियों को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये राशियाँ खजाने में न जाकर उस धंधेबाजों के हाथ में जा रही है, तो वह इस पर कब और किस रूप में कार्रवाई करे। रही बात जनता की, वह तो फिलहाल चुप है, लेकिन अगले वर्ष 2019 ईस्वी में जब झारखंड में पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तब तो वह रघुबरदास सरकार से पूछेगी क्या वह उन्हें सिर्फ इसलिए ही वोट दिया था कि यहाँ की नैसर्गिक प्राकृतिक संपदाएँ नष्ट होती रहें और यहाँ का विकास भी न हो। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।